सो ऑस्ट्रेलिया में अब पीआर ना दिन ब दिन इजी होती जा रही है, ठीक है। और टीआर जिसको वर्क वीजा बोलते हैं वो भी हमें इंक्रीज हो गया है। तो अगर आपको इसके ऊपर पूरी नॉलेज चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो 6 अपडेट आए हैं ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की तरफ से, फिर से न्यू जो लेबर पार्टी है उसकी तरफ से। तो करते हैं वो शुरू और आपको सारे के सारे अपडेट्स बताते हैं। क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जा रहा है कि भाई वीजा इतने लेट क्यों आ रहे हैं, तो उसके लिए भी एक अपडेट लेके आए हैं, वो वीडियो के एंड में, तो वीडियो जरूर देखना एंड तक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अरबन सरदार। उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया होंगे। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ अपडेट्स आए हैं फिर से ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की तरफ से, जो न्यू पार्टी है लेबर पार्टी उसमें कुछ अपडेट्स वो लेके आई है। तो अब मैं धीरे धीरे करके शुरू करता हूँ, आज तसल्ली से बात करेंगे सारे अपडेट्स के बाद, तसल्ली से आपको बताएंगे आराम से, ठीक है। तो जो अब पहला अपडेट अपना निकल के आया ना, वो ये निकल के आया है कि जो स्किल माइग्रेंट्स की इन्होंने कैप थी, मतलब जो स्किल माइग्रेंट्स को इन्होंने पक्का करना था, वो पहले उसका नंबर था 1,60,000, ठीक है, पूरे ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया में। अब उसको इन्होंने इंक्रीज करा है 1,95,000 पे, यानी कि 35,000 स्किल माइग्रेंट को और बढ़ा दिया इन्होंने, जिसमें से कि जो कि 9,000 है वो होंगे रीजनल में और 20,000 होंगे स्टेट एंड टेरिटरी में। बाकी भी ये करेंगे कुछ ना कुछ, जब 35 का नंबर दिया तो पूरे 35 करेंगे और काफी ही बढ़ाए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है पीआर को लेके। सो इसमें और भी कुछ बातें हैं, इसमें ना अभी कंफर्म नहीं करा कि कौन से स्किल माइग्रेंट आते हैं इसमें। ऑटोमोटिव वाले भी आ सकते हैं, नर्सिंग वाले भी आ सकते हैं, आईटी वाले भी आ सकते हैं, अकाउंटिंग वाले भी आ सकते हैं, सब आ सकते हैं, बट इन्होंने अभी क्लियर नहीं करा। जैसे आपको सबको पता है कि लेबर की कमी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो इस हिसाब से इन्होंने अभी क्लियर नहीं करा, बट ये धीरे धीरे उसके ऊपर क्लियर करेंगे। और इन्होंने जो सीट्स हैं ये सारी सारी स्टेट्स के ऊपर बांट दी हैं, जैसे सिडनी में कुछ हैं, कुछ विक्टोरिया में हैं, कुछ ब्रिस्बेन में मिलेंगी, ठीक है, कुछ पर्थ में मिलेंगी। तो ये सारी इन्होंने बांट दी हैं धीरे धीरे करके। पहले क्या होता था कि ये पहले टेम्परेरी वीजा करते थे, अब ये सोच रहे हैं कि इस टेम्परेरी वीजा को हम पीआर वीजा, मतलब परमानेंट रेजिडेंस में लेके आए। वो क्यों लेके आए वो हमारे सेकेंड अपडेट में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा वो क्यों लेके आए। पहले क्या होता था कि पहले बंदा आता था, 2 साल की डिप्लोमा लिया, 3 साल का ग्रेजुएशन लिया, उसको बाद उसको टीआर मिल गई इतने साल की, तो 5-6 साल में उसका कंप्लीट हो गया सब कुछ, बट उसको बीआर नहीं मिलती थी, तो उसको फिर नए कोर्स लेने पड़ते थे। उस नए कोर्स की वजह से उसका सिस्टम थोड़ा बेकार हो जाता था, उसकी फील्ड चेंज हो जाती थी, ना वो इस फील्ड का रहता था ना वो उस फील्ड का रहता था। तो उसके लिए अब इन्होंने क्या करा है, जो अपना सेकेंड अपडेट है, अपना सेकेंड अपडेट ये है कि इसके अंदर इन्होंने टीआर इंक्रीज कर दिया है। टीआर मतलब वर्क वीजा। जो पहली जो टीआर होती थी क्या होता था, 3 साल का आपको ग्रेजुएशन का वीजा मिला, आपने ग्रेजुएशन करी, आपने टीआर फाइल करी, आपको 2 साल की टीआर आ गई। जो वो 2 साल की बैचलर की टीआर थी ना, ग्रेजुएशन की टीआर थी, उसको इन्होंने बढ़ा के 4 साल कर दिया है, वो भी सिलेक्टेड कोर्सेस। अब इसमें सिलेक्टेड की बात है, अब इसमें अकाउंटिंग भी आ सकता है आपका, आईटी भी आ सकता है, और कोर्सेज भी आ सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो कोई भी आ सकते हैं। मेन जो अपना यहाँ चलता है वो अकाउंटिंग और आईटी चलता है, या रिसर्चिंग कोर्सेज भी होते हैं। तो मास्टर्स के लिए जो पहले 3 साल की मास्टर्स की जैसे मिलती थी किसी को, मास्टर्स इन आईटी कर ली किसी ने, या और भी किसी में इन्होंने मास्टर्स करी है, या मास्टर्स आपने इन्होंने इंजीनियरिंग में मास्टर्स करी है किसी ने, तो उसको पहले 3 साल का टीयर मिलती थी। और एक बात और, पहले टीयर मिलती थी रीजनल के अंदर, वो मिलती थी 3 साल की ग्रेजुएशन हो, और वो अर्बन एरियाज के अंदर मिलती थी आपको सिर्फ 2 साल की। तो रीजनल के अंदर इसलिए क्यों मिलती थी, क्योंकि वहां पर लोग कम थे इसलिए। बट अब ये सब कुछ चेंज कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया मास्टर्स के कोर्सेज के अंदर जो 3 साल की थी उसको अब इन्होंने 5 साल की कर दिया है, बट उसके ऊपर भी सेम है जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सिलेक्टेड कोर्सेज, ठीक है। अब सिलेक्टेड कोर्सेज में बहुत कोर्सेज आ सकते हैं, उसका अभी इन्होंने क्लियर नहीं करा, बट उम्मीद है कि जल्दी निकल के आएगा। और जो आप पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी जैसे आप डॉक्टरेट हो गए हैं, या साइंटिस्ट रिसर्च के ऊपर कोई कोर्सेज होते हैं, हाई लेवल के कोर्सेज होते हैं, उनकी फीस भी ज्यादा होती है, और वो हम जैसे तो मतलब दूर तक सोच भी नहीं सकते उन कोर्सेज के लिए। तो पीएचडी कोर्सेज जो करते हैं डॉक्टरेट के लिए किसी के अंदर, तो उनकी जो पहले टीआर थी वो 4 साल की थी,
ठीक है, जो वो वर्क का एक्सपीरियंस लेते थे या कुछ करते थे वो 4 साल थी, तो अब उसको बढ़ा के सीधा 6 साल कर दिया। मतलब पहले तुम 3 साल या 4 साल का अपना कोई PhD का बढ़िया कोर्स करो, उसके बाद 6 साल का TR मिलेगी आपको, तो 3 और 6 9, या 4 और 6 10, सीधा 10 साल का वीजा आपका पक्का है, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब भाई 10 साल का वीजा मिल रहा है, तो 10 साल में तो बंदा वैसे ही पक्का हो जाता है। और अब ये न्यू नए रूल भी लेके आ रहे हैं पक्के होने के, जैसे उन्होंने कैप बढ़ा दी माइग्रेशन, स्किल माइग्रेशन के लिए। तो पहले क्या होता था, बंदा इसलिए नहीं पक्का हो पाता था क्योंकि उसके पास टाइम होता था स्टे करने का मुश्किल से 4 5 साल, तो अब वो 5 साल से सीधा 7 साल हो गया। क्योंकि पहले आपको अगर 5 साल आप स्टे करते थे तो आपको फिर नया कोर्स लेना पड़ता था, या कोर्स चेंज गेम खेलते रहते थे। हाँ भाई, ये कोर्स लिया ठीक है, ले लिया, अब दूसरा ले लो, तीसरा ले लो, तो ये गेम ही चलती रहती थी। इस बात से इमिग्रेशन को वो होता था कि यार ये बंदा तो बार बार कोर्स चेंज कर रहा है, तो इसी को उन्होंने सेट करने के लिए ये करा। तो भाई अब अपना आता है तीसरा फंडा जो गवर्नमेंट लेके आई है, अनलिमिटेड वर्क आवर्स। ये पिछले अपडेट में भी था कि ये दिसंबर तक हो गया, बट अब ये सीधा इनकी फिर से नई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें इन्होंने कहा ये जून 2023 तक हो गया है। जून 2023 का मतलब समझते हो आप, मतलब आग लगा दी है, ठीक है, सीधा मतलब जून तक ही कर दिया है। जो मतलब 40 घंटे दब के काम करो, रुकना नहीं है, काम पे लो है, क्यों बेलो, क्योंकि भाई। और मेरे से किसी ने ये भी पूछा कि आप तो कहते थे 40 घंटे काम करना, और एक तरफ से आप कहते हो अनलिमिटेड वर्क आवर्स, तो किसी भी आ, 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 अपनी जो स्टेट कंट्रीज हैं, जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, इनके अंदर जो एक प्रॉपर वर्क आवर होते हैं ना, एक वीक वीक डेज के अंदर, 5 दिन के अंदर, वो 40 घंटे का ही काम होता है, उससे आप ऊपर कर नहीं सकते एज अ ऑफिस वर्क। क्यों, अगर आप ऑफिस में जाते हो तो आप वहां लैपटॉप खोल के काम करते हो, तो आप वहां 10 8 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते, और वहां 5 दिन काम होता है क्योंकि 2 दिन गुरु का वीकेंड होता है इसलिए। और अगर हम वो लेबर जॉब में जाते हैं ना, लेबर जॉब के अंदर अगर हम जाते हैं जिसके अंदर आपका पर डे का काम होता है, या आप ज्यादा दिन काम करते हो, तो वो अनलिमिटेड में आ जाता है। दोनों चीजें सेम होती हैं, कोई वो वाली बात नहीं, क्योंकि जैसे अगर मान लो मैं कोल्स में काम करता हूँ, तो मैं 38 आवर से ज्यादा काम नहीं कर सकता, क्यों, एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी, और ना ही कॉल्स मुझे 38 आवर से ज्यादा देगी, क्यों, उन्हें पता है कि एक बंदा 40 घंटे से काम कर सकता है। इसको हम उस भाषा में जैसे बोल देते हैं अनलिमिटेड वर्क आवर्स हैं, आप कर सकते हो, बट आप ऑफिस वर्क में इतने काम ही कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो इसको मेरे को क्लियर करना था, और ये मैंने लिखा भी हुआ था, बंदों के क्वेश्चन आए थे कि ऐसा है, तो ये जॉब के ऊपर डिपेंड होता है। ऑफिशियली जॉब अलग होती है, कंस्ट्रक्शन जॉब्स अलग होती हैं, तो ये डिपेंड करता है। और जॉब से याद आया, हाईली पेड जॉब का एक मैं लेके आने वाला हूँ बहुत ही जल्दी व्लॉग, तो वो बहुत जल्दी आएगा, जल्द से जल्द आएगा। तो अब अपना चौथा अपडेट है गवर्नमेंट की तरफ से, जो आप ट्रेवल करते हो, जैसे आप सिडनी से मेलबर्न ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, या कहीं पर्थ ट्रेवल कर रहे हो सिडनी से, तो आपको पहले मैंडेटरी था मास्क लगाना, तो वो 9 सितंबर 2022 से उसको भी हटा दिया इन्होंने कि आप बिंदास ट्रेवल करो बिना मास्क के, डोमेस्टिक, इंटरनेशनली डोमेस्टिक, ठीक है, बट इंटरनेशनल भी जहां तक उम्मीद है, काफी देशों से इन्होंने कोविड टेस्ट भी हटा चुके हैं, RT-PCR का जो टेस्ट था वो भी हटा दिया इन्होंने, बट आपको कम से कम 2 डोज लगी होनी चाहिए ही चाहिए, और बूस्टर लगवा लोगे तो बहुत बढ़िया बात है। तो इसका पांचवा अपडेट ये आता है कि जो इन्होंने कोविड की पेमेंट देते थे, ये कोविड रिलीफ देते थे बंदों को, जैसे किसी को कोविड हो गया तो उसको 5 दिन, पहले 7 दिन रुकना पड़ता था, फिर पीछे 5 दिन हुआ, तो उसमें इन्होंने कम कर दिया कि आपको वो जो अगर रिलीफ आएगा, अगर आप गवर्नमेंट को कहते हो कि हाँ मेरे को कोविड हुआ है और मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसा चाहिए, मैं काम नहीं कर पा रहा, तो वो पहले $750 देती थी गवर्नमेंट, तो अब गवर्नमेंट ने उसको घटा के $550 कर दिया है। वो ऐसा क्यों करा है, क्योंकि अब इतना कोविड यहाँ पर देखा जाए तो रहा नहीं है, मतलब लोग लगाते हैं मास्क, करते हैं प्रिकॉशंस, लेते हैं, बट इतनी नहीं लेते जितना पहला लेते थे। क्यों, हमारा जो फाइनल अपडेट है, लास्ट अपडेट है, वो ये है, जो गवर्नमेंट, ये अपडेट पहले बताना चाहिए था पर मैंने लेट करा, क्यों, क्योंकि एंड में बता दिया, इसलिए ये इसमें है कि सारे पूछते हैं कि भाई वीजा क्यों लेट आ रहे हैं, वीजा इसलिए लेट आ रहे थे जैसे मैंने आपको बताया था, कोई मैंने कहानियां नहीं बनाई थी, लेबर शॉर्टेज है। लोगों ने 10 10 घंटे की वीडियो बनाई हुई थी, बहुत ज्यादा मतलब बोर कर रखा था, मेन बात है लेबर शॉर्टेज थी। अब लेबर गवर्नमेंट, जो नवी गवर्नमेंट आई है, वो $36 मिलियन अपने होम अफेयर्स के सेक्टर के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है,
जिसमें से वो नया स्टाफ रखेंगे, और उन्होंने कई पब्लिक डिपार्टमेंट के लोग, जो होम अफेयर्स के नहीं है, पब्लिक डिपार्टमेंट के लोग भी लगा दिए थे कि यार जितनी भी फाइल आ रही हैं वो फाइल चेक करो और इनको क्लियर करो, इनको वीजा देना है वीजा दो, रिजेक्ट करना रिजेक्ट करो। तो उन्होंने इतना बंदा लगा दिया है, मेन लेबर शॉर्टेज ही थी इसका, कोई और कारण नहीं था। लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बनाई हुई थी फालतू में बकवास करने के, जैसे कि उनको डायरेक्ट कॉल आया है कि हाँ भाई ऐसे करके करो। सो ये बात थी। एक चीज हो रहा है इसमें, जो पुरानी बैकलॉग्स भी बहुत आ गई थी क्योंकि कोविड के टाइम में तो सब बंद पड़ा था, तो वो कोविड के टाइम की जो बैकलॉग्स थी वो भी क्लियर कर रहे हैं, और वो जो अब नवी नहीं आ रही है क्योंकि वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो इसलिए उसको कर रहे हैं ठीक ठाक, दे रहे हैं फटाफट। सो आई थिंक वर्ल्ड कप है, पता नहीं क्या। सो जो भी है, कमेंट में गेम मत खेलना। सो हम बात करते हैं कि कनाडा के बारे में एक बारी और, कि कनाडा का क्या सीन चल रहा है आजकल। तो वो कनाडा के ऊपर मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, अगर आप मेरे को कमेंट में बोलोगे कि हाँ भाई कनाडा के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी लेके आऊंगा। मैं बिल्कुल सेट बैठा हूँ कि बताने के लिए कि कनाडा और उसमें क्या फर्क है, बस थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा था, बट अब मैं वीडियो बना रहा हूँ धीरे धीरे, अपडेट्स के ऊपर सारा कुछ क्लियर करूंगा आपको। और कई मेरे को पूछते हैं कि भाई हमने आर्ट्स लिए तो हम कौन सा कोर्स करें, ये क्या ब्रदर, सारा कुछ आप अपने फोन से चेक कर सकते हो कि आर्ट्स के अंदर कौन से वीजा वीजा सक्सेस रेट कौन से कोर्स में ज्यादा है, कौन सा कोर्स बढ़िया है, ये किस में आपका इंटरेस्ट है। और पीछे अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले मुझे नहीं लग रहा था कि डिग्री में भी वीजे आ रहे थे। तो गाइज, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मैं देख रहा हूँ कोई नहीं सब्सक्राइब कर रहा है यार, क्यों, वाई वाई, आपके लिए हम इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, लेट आते हैं बट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। तो जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो भी ऑस्ट्रेलिया का प्लान कर रहे हैं, और या जिनका कनाडा का रिफ्यूजल आ चुका है उनको भी आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कनाडा ने पीछे 90% रिफ्यूजल दिए हैं, ठीक है, तो आप यहाँ ट्राई कर सकते हो, बहुत हो सकता है कि आपका काम बन जाए। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।